नमस्कार भैया, हम सुरेश भाई जौनपुरिया आप सभी का हमारे सुरेश वंदना ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं भैया, इतना सम्मान देते हैं, इतना दुलार देते हैं, तो देखिए हमारी धर्म पत्नी जी क्या बना रही हैं। माठा दही नहीं मार रही हैं भैया, ये क्या है जानते हैं? ये शाम को चावल भिगो के रखी थी, थोड़ा सा सफेद वाली उड़दी की दाल थी उसको भिगोई थी साथ में, और दोनों को मिक्सर में पीस के सुबह इसको बना दिया है, पूरा मैदे जैसा घोल दिया है, देख लीजिए ना ऐसा हो गया। अब इसका क्या बनाएगी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मैं जा रहा हूँ किचन में वंदना की मदद करने, मैं नारियल फोड़ने जा रहा हूँ, बनेगा नारियल की चटनी। हाँ भाई ये अपना अभी देखो गैस पे आलू बैठा दिया है, तो ये अपना काम करती रहेंगी, थोड़ा इनका किचन में मैं भी हेल्प करता रहूंगा, तो दोनों पति पत्नी मिलकर बढ़िया बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। बनाने वाली वंदन है, केवल हम थोड़ा सा इनका साथ दे रहे हैं। का वंदन जरूर देंगे वंदन, जरूर देंगे। पति पत्नी जब साथ मिलकर किचन में एक साथ काम करते हैं तो खाने का स्वाद एकदम बढ़ जाता है मेरे प्यारे भाइयों, आप भी ऐसा कभी कभी किया करें, आपके ऊपर निर्भर करता है, हम तो करते हैं। चलते हैं वंदना के साथ। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या है नारियल, ये नारियल फोड़ने जा रहा हूँ, और इधर देखिए इनका आलू उबाल चुका है, अब ये आलू को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, नहीं तो इसे गर्म से इनको इसका छिलका उतारेंगे, और मैं इसका नारियल नारियल टूट गया है, पानी गिर रहा है बारीक बारीक, भाई आ गया वो बाग के जात आते हैं। इसी नारियल का चटनी बनेगा मेरे प्यारे भाइयों, और इसी चटनी के साथ ये आलू रहेगा, आलू के साथ रहेगा, आलू साथ चटनी साथ मसाला डोसा, वही भैया वंदन मदद करते किचन में। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सब सामान धीरे धीरे रेडी हो चुका है, इधर वंदन बर्तन भी धो रही हैं, उनका बर्तन धोने का भी काम हो जा रहा है। इधर देखिए टमाटर धनिया प्याज मिर्ची लाल मिर्ची आलू का मतलब भरता बना लिया गया है, जो मसाला डोसा बनेगा ना हमारे यहाँ उसी मसाला डोसा में डालने के लिए। और इधर देखिए हमने क्या किया, गरी गरी को नारियल की चटनी बनाने के लिए फोड़ के उसको रख दिया नीचे, तोड़ के घर थोड़ा गंदा उंदा कर दे। हाँ नारियल फोड़ के कुछ न कुछ इधर उधर हो भाई करे, बाकी अब एक काम मेरे एक काम पे जाए है, अब बाकी वंदन काम बचा है, जल्दी जल्दी टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाइए, हम लोग खाए मजे से। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, पहला है छोटा सा बना के वंदन, अब उसका पहले छोटा सा बना के टेस्ट कर रही हैं कि कहीं कम आंच या तेज आंच में कुछ ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए वो अपना समझ लेती हैं इतना। देखिए ये देख लीजिए लाल हो रहा है ना धीरे धीरे, समझ में आवत ना कि बेसन की नोट बा कतील बा, हाँ तो वो स्टार्टिंग का ऐसे बना के समझ लेंगी तब अपने हिसाब से बनाएंगी, अगर मोटा रहेगा तो पानी मिला के पतला करेंगी, अगर पतला रहेगा तब क्या करूँ, तब क्या करूँ, मोटा ही रहे हैं अपने हिसाब से बनाए, तो मगर देखेंगे कि ज्यादा मोट ना हो तो यही वाला ना नीचे मोटा बन जाता है, तो अपने आप घूमा जा रहा है। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मसाला डोसा बन गया हमारे यहाँ, देसी मसाला डोसा बन गया। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे घर का देसी मसाला डोसा अब कैसे बनाए हैं वंदन देख लीजिए, छोटा सा तावा है, अदरक छीलने वाला है उसी से अपना काम चला रहे हैं, देसी स्टाइल में इनका बन गया।
और ये पहला मसाला डोसा निकल के आ रहा है सामने थाली में। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये मसाला डोसा खाना है टेस्टी, तो आ जाइए, आप लोगों का स्वागत है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाइयों। ये देखिए बढ़िया छोटा सा मसाला डोसा बन के तैयार हो चुका है, दूसरा बनाने जा रही हैं मेरे प्यारे प्यारे स्वामी खाएंगे। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कैसा स्वाद है। चटनी लगाए लेते हैं? नहीं, ऐसे टेस्ट करना, बहुत मसाला है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बढ़िया आ रहा है। अगर तुम्हें खाए के बताओ, जो कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे भाइयों।